माननीय उपसभापति महोदय, मैंने वर्ष 2018, 2019-20 तथा 2020-21 में एटा जनपद मुख्यालय से तेज गति से चलने वाली रेल सेवाओं से जोड़ने का विषय उठाया था, परंतु मुझे खेद है कि संदर्भित विषय के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका है। एटा जनपद मुख्यालय से तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों से जुड़ाव नहीं होने के कारण जिले की लगभग 20 लाख जनता को अपनी व्यापारिक व कृषि उत्पाद संबंधी गतिविधियों से वंचित रहना पड़ता है, जिसका जिले के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। महोदय, एटा जनपद मुख्यालय भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसका द्रुत गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का जुड़ाव नहीं है। एटा के नागरिकों ने रेल सेवाओं के सुधार के लिए महीनों आंदोलन चलाए। माननीय हन्नाथ जी, आप ले करना चाहेंगे या पूरा पढ़ना चाहेंगे? महोदय, मैं ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि वर्ष 1965-66 में एटा को एटा से बरहन तक रेल लाइन से जोड़ा गया था। तब से लेकर के केवल पैसेंजर ट्रेन से ही जुड़ाव चल रहा है। अतः मैं आज पुनः एटा जनपद से तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को आगरा, कानपुर तथा नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेज गति की गाड़ियों से जोड़ने की मांग करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस अत्यंत लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्रवाई अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।